मात्र 30 दिन में हो सकेंगे ग्रामीण डाक सेवकों के स्थानांतरण के आदेश। जी हां, अभी जो एक न्यूज आ रही है वो है जीडीएस के ट्रांसफर समस्याओं पे आधारित। तो आप देख रहे हैं जीडीएस का सबसे भरोसेमंद चैनल GDS 24x7 और मैं रोशन कुमार स्वागत करता हूं आपको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मात्र 30 दिन में हो सकेंगे ग्रामीण डाक सेवकों के स्थानांतरण के आदेश। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित स्थानांतरण सुविधा की तहत स्वेच्छा से ट्रांसफर के इच्छुक ग्रामीण डाक सेवकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आई है और वो ये है कि उन्हें आवेदन पत्र भेजने की तिथि से मात्र 30 दिन की अवधि में ट्रांसफर आदेश मिल सकेंगे। डाक महानिदेशालय द्वारा 15/7/2021 को जारी आदेश क्रमांक 17/31/2016-GDS के अनुसार अगर कोई भी ग्रामीण डाक सेवक अपने ही डाक मंडल में एक से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर का इच्छुक हो तो ऐसे स्थानांतरण के लिए डाक विभाग में न केवल मंडल अधीक्षक को इसके अधिकार दे दिए हैं बल्कि इसे ट्रांसफर आदेश अब मात्र 15 दिन में ही जारी किए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पहले इस तरह के ट्रांसफर के आदेश का अधिक रीजन की सीमाओं के भीतर क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल को तथा रीजन की सीमाओं से बाहर लेकिन परिमंडल की सीमाओं के भीतर ट्रांसफर के लिए चीफ पोस्टमास्टर जनरल को था, लेकिन अब इसे और अधिक आसान बनाते हुए एक ही मंडल की सीमा के भीतर ट्रांसफर का अधिकार संबंधित मंडल अधीक्षकों को दे दिया गया है। इसके अलावा अब एक ग्रामीण डाक सेवक अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान दो दफा स्वैच्छिक स्थानांतरण सुविधा का लाभ ले सकेगा। वही महिला ग्रामीण डाक सेवक अब तीन दफा इस सुविधा के तहत ट्रांसफर का लाभ उठा सकेगी। इसी के साथ परस्पर स्थानांतरण यानी म्यूचुअल ट्रांसफर की सुविधा भी अब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर हाथों हाथ मिल सकेगी, बशर्ते कि आवेदनकर्ताओं ने इस हेतु निर्धारित अर्हताएँ प्राप्त कर ली है। उल्लेखनीय है कि अब तक इस प्रकार के ट्रांसफर के लिए आवेदक ग्रामीण डाक सेवक केवल एक ही पद के लिए आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब नए नियम आदेश के अनुसार अब वे अधिकतम 10 पदों के लिए प्राथमिकता क्रम अनुसार आवेदन कर सकेंगे। ज्ञातव्य है कि अब तक इस प्रकार के ट्रांसफर के लिए अप्रैल से जून तक ही आवेदन किया जा सकता था और इस प्रकार से सभी ट्रांसफर ऑर्डर प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में ही जारी किए जाते थे, लेकिन अब इच्छुक ग्रामीण डाक सेवक पूरे वर्ष के दौरान कभी भी आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें उनके आवेदन की तिथि से एक माह के अंदर स्थानांतरण आदेश मिल जाएंगे।